गुड मॉर्निंग, इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ये जो अध्याय चल रहा है घर्षण, और इस घर्षण अध्याय का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें आपको निमी और अरिहंत प्रकाशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको हल कराया जा रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि गति घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से होता है, बीच में गैप है, पूछा जा रहा है कि अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, मतलब पृष्ठ है, मान लीजिए टेबल है, ठीक है, ये आपका क्या है, टेबल है, और इस पर कोई द्रव्यमान रखा गया है और मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है, एम है। अब अगर कोई व्यक्ति इसको बल लगाकर इधर की तरफ खींचना चाहेगा, जिधर की तरफ बल लगाकर दिखाया गया है, तो देखिएगा ये दो सतह हो गई, एक तो ये नीचे जिस पे रखा हुआ टेबल एक सतह हो गया, दूसरा जिस पे द्रव्यमान रखा हुआ है, दोनों सतहों के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। तो जैसे ये व्यक्ति बल लगाकर खींचना चाहेगा तो ये जो घर्षण है इसके विपरीत लग जाएगा, उल्टा दिशा में, और इस वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा, इसकी गति को रोकने का प्रयास करेगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप बल बढ़ाते जाएंगे तो घर्षण भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब घर्षण का मान अधिकतम हो जाएगा, मतलब उस समय यह सीमांत घर्षण हो जाएगा, उससे ज़्यादा ये जो सतह है घर्षण लगा ही नहीं सकता है। तो ये जो घर्षण बल है तब तक विरोध करता रहेगा जब तक ये अपनी अधिकतम सीमा में न पहुंच जाए। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि घर्षण बल का मान था वो 30 न्यूटन था, अधिकतम जो सीमांत घर्षण वो 30 न्यूटन का बल है, और ये जो व्यक्ति बल लगा रहा है खींचने के लिए 2 न्यूटन लगा रहा है, तो घर्षण बल का अधिकतम मान कितना है, मतलब घर्षण बल का जो मान है वो 30 न्यूटन है। F बराबर घर्षण बल कैसे निकालते हैं, F बराबर म्यू इंटू एन से निकालते हैं, और मान लीजिए कि F का मान जो आपका आया है म्यू इंटू एन के फार्मूले से 30 न्यूटन आया है। तो जब व्यक्ति ने 2 न्यूटन का बल लगा के इधर की तरफ खींचने का प्रयास किया तो घर्षण इसके विपरीत में लग गया होगा, और कितना लगा होगा, 2 न्यूटन ही लगा होगा, न कि 30 न्यूटन, क्योंकि अगर 30 न्यूटन लग जाता तो घर्षण के कारण ही वस्तु गति करने लगती। तो घर्षण का काम ही क्या होता है कि केवल विपरीत दिशा में बल लगा करके रोक देना। तो जैसे ही 2 न्यूटन लगाया तो घर्षण 2 न्यूटन लग गया, अगर ये 3 न्यूटन लगाता तो घर्षण 3 न्यूटन लग जाता। तो 30 न्यूटन तक का जो बल होता है वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति 30 न्यूटन का बल लगा करके, अगर व्यक्ति जो है 30 न्यूटन से थोड़ा सा अधिक बल लगा करके इसको बस गति की अवस्था में ला देगा, इसको गति की अवस्था में ला देगा, तो ये क्या होगा, ये द्रव्यमान जो है खींचना शुरू हो जाएगा, और जैसे ये गति की अवस्था में आ जाएगा ना, तो आप जान लीजिए कि जो 30 न्यूटन का घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल, उसके बाद केवल गति घर्षण लगेगा, क्योंकि ये वस्तु क्या गति करने लगेगी, तो गति घर्षण का मान थोड़ा सा इससे कम हो जाता है, क्योंकि जब वस्तु गति में होती है ना तो घर्षण का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका मतलब कि स्थैतिक घर्षण का मान जो है गति घर्षण से क्या होगा, अधिक होगा। तो पूछा जा रहा है कि गति घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गति घर्षण जब वस्तु गति की अवस्था में होती है तो उस समय घर्षण का मान थोड़ा सा कम हो जाता है स्थैतिक से, मतलब कि ये 30 न्यूटन है और जब ये गति में आ जाएगी तो 30 न्यूटन से कम 29.5 या 29.9 इस तरह से लगेगा। तो गति स्थिति में जो घर्षण का मान होता है वो स्थैतिक से कम होता है, तो गति घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है, अब जो सीमांत घर्षण है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि ये 30 न्यूटन घर्षण का मान अधिकतम मान लीजिए 30 न्यूटन आ गया, तो ये सीमांत घर्षण कहलाया जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इससे ज़्यादा घर्षण लग ही नहीं पाएगा। अब अगर ये 2 न्यूटन का बल लगाकर व्यक्ति खींचता तो घर्षण बल के पास क्षमता कितनी थी, 30 न्यूटन की लगने की, लेकिन लगेगा कितना, जितना कि व्यक्ति बल लगाकर खींच रहा है, तो वो 2 न्यूटन ही लग जाता, लेकिन ये अगर व्यक्ति 3 न्यूटन लगाता तो घर्षण 3 न्यूटन लग जाता, व्यक्ति 30 न्यूटन लगाता तो घर्षण 30 न्यूटन। अब व्यक्ति 30 न्यूटन लगा रहा है और घर्षण के भी सीमांत घर्षण का मान कितना है, 30 न्यूटन, मतलब वस्तु में थोड़ा सा भी अगर बल बढ़ा दिया जाता तो वो गति में आ जाती। तो जैसे ही अगर वस्तु गति में आ जाती तो फिर ये जो आपका गति वाला घर्षण है वो 30 न्यूटन से थोड़ा सा कम हो जाता। इसका मतलब ये हो गया था कि जो गति घर्षण है वो स्थैतिक से कम होता है। दूसरा प्रश्न है, सीमांत घर्षण बल निम्न से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। इस फार्मूले से आपको सीमांत घर्षण बल, मतलब ये जो 30 न्यूटन आपने निकाला ना, इसी फार्मूले से निकाल सकते थे। तो ये जो बल निकलता है इसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं, और सीमांत घर्षण बल म्यू इंटू एन के बराबर होता है, जहाँ पे म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है, और एन क्या होता है, अभिलंब बल। और अभिलंब बल क्या होता है, जैसे ये द्रव्यमान रखा गया था तो ये इसका भार mg नीचे की तरफ काम करता है, तो अगर ये भार
इस सतह पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये सतह भी इस पे एक अभिलंब बल लगा रहा है, उसको एन बोलते हैं। अब चूंकि ये जो वस्तु है नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, सतह पे रुका हुआ है और ऊपर भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि जो अभिलंब बल है वो भार के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीमांत घर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो पहला जो विकल्प है कि अभिलंब निर्भर नहीं करता, ये पूछा जा रहा है। तो आपने देखा कि जो सीमांत घर्षण बल का मान निकलता है म्यू इंटू एन से निकलता है, जहाँ पे एन क्या है, अभिलंब बल है, तो अभिलंब बल पर निर्भर ही करता है सतहों की प्रकृति। म्यू क्या होता है, सतहों की प्रकृति बताता है कि दो सतह कैसी हैं, खुरदुरी हैं तो म्यू का मान ज़्यादा होगा और अगर चिकनी है तो म्यू का मान कम होगा। तो इसका मतलब सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है, सतहों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इस पे पूछा जा रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी विकल्प। अगला जो प्रश्न है कि सीमांत घर्षण बल म्यूवन घर्षण से सीमांत घर्षण गुणांक म्यूवन घर्षण कोण की किसके बराबर होता है। तो पहला है जा, जा को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। कुज्या को क्या बोलते हैं, कास थीटा। और स्पर्श जा को क्या बोलते हैं, टैन थीटा। तो आपको बताया गया था कि जो घर्षण गुणांक होता है म्यू, ये टैन थीटा के बराबर होता है। तो सीमांत घर्षण गुणांक म्यू वन घर्षण कोण की किसके बराबर होता है, तो स्पर्श जा। टैन थीटा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श जा। तो म्यू मतलब घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है, स्पर्श जा के, क्योंकि टैन थीटा म्यू बराबर होता है टैन थीटा, और टैन थीटा को क्या बोलते हैं, स्पर्श जा। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प, स्पर्श जा। अब अगला जो प्रश्न है कि सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल में से कौन सा संबंध सही है। सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल में से कौन सा संबंध सही है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो सीमांत घर्षण बल होता है एफ, वो कैसे निकलता है, म्यू इंटू आर से निकलता है, जहाँ पे आर क्या होता है, आर लिखिए या एन लिखिए, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। तो सीमांत घर्षण बल एफ जो है वो समानुपाती होता है किसके, घर्षण गुणांक के और अभिलंब प्रतिक्रिया के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एफ समानुपाती म्यू और एफ अनुक्रमानुपाती आर, अनुक्रमानुपाती आर बोलिए या समानुपाती आर बोलिए। तो इसका मतलब घर्षण जो बल होता है सीमांत घर्षण बल, वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, एफ वन अनुक्रमानुपाती आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब अगला जो प्रश्न है कि यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक म्यू का मान क्या होगा। तो अगर घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक म्यू को हमने बताया था कि किसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विकल्प। अगला जो हमारा प्रश्न है कि यदि झुकाव कोण अल्फा है तो घर्षण गुणांक म्यू का मान किसके बराबर होगा। तो यदि झुकाव कोण अल्फा, तो ये जो आपका म्यू है वो किसके बराबर होगा, टैन अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, टैन अल्फा के। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, एक झुके तल में रखे पिंड के त्वरण का मान होता है। अगर कोई झुका तल, जैसे देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब ये इस तरह का सतह है, उस पर एक कोई एम द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, तो इस पर त्वरण का मान क्या होगा। तो ये जो एम द्रव्यमान की वस्तु है, इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब भार है, वो नीचे की तरफ काम करेगा एम जी। और मान लीजिए जिस प्लेन पे रखा हुआ है, जिस समतल पे रखा हुआ है, जो ऐसे तिरछा है, वो कोण कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। समतल से ये कितना कोण बना रहा है, ये जो सतह है समतल से कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो अगर ये जो भार है ये कितना होगा, एम जी होगा, और ये किस पे होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पे होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है कि जिस सतह पे रखा गया होता है उसके लंबवत काम करता है। तो ये इस वाले सतह पे रखा गया है, तो इसका लंबवत क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया ये। तो अगर ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है तो इसका जो नीचे होगा ये कंपोनेंट, अब ये जो एम जी है, जो भार है, यहाँ से ये कोण हमें पता चल गया थीटा है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, मतलब तोड़ेंगे इस वाले बल को, हम दो फैक्टर में वेक्टर के नियम से तोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कास थीटा हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि अगर इस झुकाव के कारण अगर कोई भी वस्तु है, अगर थोड़े से आनत तल पे, आनत तल का मतलब जो कोण, जो ऐसा सतह है जो ऐसे तिरछा खड़ा है, तो उस सतह के कारण ही, झुके हुए के कारण ये वस्तु अपने आप से सरकने लगेगी। तो इधर की तरफ क्या ये बल है, एम जी साइन थीटा है, जो इसके भार का कंपोनेंट आया, घटक आया, एम जी साइन थीटा। तो अगर इधर की तरफ मान लीजिए ये वस्तु सरकने लगती है, तो किसी त्वरण के साथ ही सरक रही होगी, तो वो हम मान लेते हैं कि त्वरण क्या है, एम ए है।
तो जैसे अगर ये वस्तु इधर की तरफ गति करने लग रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, घर्षण बल इसके विपरीत में लगेगा, और घर्षण बल क्या होगा, F बराबर म्यू इनटू आर के बराबर होगा। तो देखिएगा, अगर ये वस्तु इधर की तरफ चल रही है तो ये किस त्वरण के साथ चल रही होगी, ये त्वरण के साथ चल रही होगी। तो हमने मान लिया कि त्वरण अगर ए है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम ए, और ये एम ए किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा, जो कि ये वाला बल है, एम जी साइन थीटा माइनस ये वाला बल, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर। तो म्यू इंटू आर, आर के जगह पे क्या लिखेंगे, एम जी इंटू कास थीटा। तो ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कास थीटा। तो एम ए बराबर क्या हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कास थीटा। यहाँ से एम को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एम था ही, और यहाँ से एम को कॉमन ले लेंगे तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा, और इस वाले एम को नीचे भेज देंगे तो ये वाला एम ऊपर वाले एम से कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन मतलब जो त्वरण है वो क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा। अब आपके जो विकल्प देखिएगा, पहला विकल्प है जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कास थीटा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा विकल्प है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा, और हमारा त्वरण का मान कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कास थीटा। तो बी वाला विकल्प सही हो गया, तो बाकी विकल्प तीनों गलत हो जाएंगे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है बिल्कुल इसी तरीके का है कि एक झुके हुए तल पर रखे पिंड की ऊपर की ओर गति। तो आपने पीछे वाले प्रश्न में देखा कि झुके हुए तल पे कोई पिंड रखा गया था, कोई वस्तु रखी गई थी जिसके झुकाव के कारण ही गति नीचे की तरफ हो रही थी। इस बार एक बल लगा करके ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो झुके तल पे रखे पिंड की ऊपर की ओर गति के लिए नेट बल का मान क्या होगा, यदि बाह्य बल जो लगाया जा रहा है वो पी है। तो देखिए ये बल पी के बल, ये जो बल पी है इसके लगाने के कारण वस्तु में गति हो रही है। तो फिर अब ये जो वस्तु का द्रव्यमान है m, ये इसका भार किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, तो ये mg हो गया। और चूंकि ये जो तल है जिस तल पे ये वस्तु रखी गई वो थीटा का कोण बना रही है सम क्षैतिज से, तो ये वाला 90 डिग्री पे होगा क्योंकि भार जो है लंबवत होता है क्षैतिज के, तो ये 90 हो गया। तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा थीटा। तो इस वाले भार को हम दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, एक इस वाले कंपोनेंट में, एक इस वाले में। तो ये कितना हो जाएगा एम जी कास थीटा, और ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब चूंकि इस बार वस्तु को ऊपर की तरफ बल लगाकर खींचा जा रहा है, और बल कितना है, पी बल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बार जो घर्षण काम करेगा वो पीछे की तरफ, मतलब जिधर बल लगाया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो जिधर बल लगाया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में दो बल हैं, एक तो एम जी साइन थीटा है और एक आपका घर्षण बल काम करेगा। तो अब इसमें जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स होगा P माइनस ये आपका एम जी साइन थीटा और प्लस म्यू आर, इसके बराबर होगा। तो R का मान क्या होगा, ये जो अभिलंब बल है वो किसके बराबर होगा, एम जी कास थीटा के। तो R का मान एम जी कास थीटा है, तो यहाँ पे R की जगह पे एम जी कास थीटा रख देंगे। तो नेट बल कितना हो गया, P माइनस पूरे ब्रैकेट में एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कास थीटा। तो ये आपका उत्तर आ गया, और इसमें देखिएगा कौन सा विकल्प मैच कर रहा, सी वाला, पी माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कास थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब जो अगला प्रश्न है कि घर्षण बल की दिशा और पिंड की गति की दिशा में अंतर होता है। तो देखिए घर्षण बल, इसको समझिएगा कि एक सतह है जिस पे कोई पिंड रखा गया है और m द्रव्यमान है, तो अगर इसकी गति की दिशा इधर की तरफ है तो घर्षण बल की दिशा किधर होगी, विपरीत दिशा में। तो इनके बीच में कोण क्या बनना है, 180 डिग्री का कोण बनना है। तो घर्षण बल की दिशा और पिंड की गति की दिशा के बीच का कोण कौन सा होता है, 180 डिग्री। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। अब अगला जो प्रश्न है, किसी तल पर रखे पिंड का भार दोगुना कर देने पर स्थैतिक घर्षण का बल हो जाएगा। तो अगर देखिएगा स्थैतिक घर्षण बल का मान हमने कैसे निकाला था, पूछा क्या जा रहा है कि किसी तल पर रखे पिंड का भार दोगुना कर देने पर स्थैतिक घर्षण बल का मान हो जाएगा। तो स्थैतिक घर्षण बल का सूत्र क्या था, F1 बराबर म्यू इंटू आर। स्थैतिक घर्षण बल का सूत्र क्या था, F1 बराबर म्यू इंटू आर। अब R क्या होता है, जो पिंड का भार होता है वही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब R 2R हो जाएगा तो घर्षण बल कितना हो जाएगा, मतलब स्थैतिक घर्षण कितना हो जाएगा, F2 बराबर म्यू इंटू 2R। तो म्यू इंटू 2R, इसका मतलब 2 को अगर इधर लिख दें तो ये 2 इंटू म्यू आर हो जाएगा, और म्यू आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पहला वाला स्थैतिक घर्षण बल। तो इसका मतलब कि जब R को दोगुना कर दिया जाएगा, मतलब भार को दोगुना कर दिया जाएगा, द्रव्यमान को, जब द्रव्यमान या जो पिंड रखा गया उसके भार को दोगुना कर दिया जाएगा,
तो स्थैतिक घर्षण बल कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला विकल्प ही दोगुना हो जाएगा। किसी तल पर रखे पिंड का भार दोगुना कर देने पर स्थैतिक घर्षण बल कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसको पूरे प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हमने ये बताया कि घर्षण बल निकालते कैसे हैं, म्यू इंटू आर से, और आर क्या होता है, वस्तु का भार होता है। तो इसका मतलब घर्षण बल कितना होता है, म्यू इंटू वस्तु का भार। और जब आर को दोगुना कर दिया जाएगा, मतलब भार को दोगुना कर दिया जाएगा, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, नया वाला जो अभिलंब बल होगा वो 2R के बराबर हो जाएगा, मतलब पहले वाले का दोगुना हो जाएगा। तो अब जो आपका नया वाला स्थैतिक घर्षण बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू आर टू की जगह पर क्या लिखना है, 2R। तो ये 2 को हम आगे खींच लेंगे तो 2μr हो जाएगा। और μr को हम क्या बोलते थे, पहला वाला जो स्थैतिक घर्षण बल है, तो एक्टिव बराबर क्या हो गया, 2F1। इसका मतलब कि जो नया वाला स्थैतिक घर्षण बल है वो पहले वाला का दोगुना हो जाएगा। ये कब होगा, जब भार को दोगुना कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि नया स्थैतिक घर्षण बल दोगुना हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है कि किसी गुटके की विरामावस्था में गुटके पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है। तो देखिए, कोई भी अगर वस्तु है या कोई गुटका है किसी सतह पर रखा गया है और ये वस्तु जो है विरामावस्था में है, तो ये मान लीजिए कि इसका भार, इसका द्रव्यमान कितना m है, तो इसका भार कितना होगा mg। तो अगर इसका भार mg है तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, mg के बराबर होगा। और अगर इसको इधर की तरफ खींचा जाए बल लगा करके, तो घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में लग जाएगा। तो मान लीजिए कि वस्तु को बल लगाकर खींचा जा रहा है और ये वस्तु खींच नहीं पा रही है, तो ये जो घर्षण बल है F कैसे निकलता है, F बराबर होता है म्यू इंटू आर होता है। तो जब विरामावस्था में वस्तु है तो इसके घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, जो F लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। और जब ये गति में आ जाती है और उस समय जो घर्षण बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, गति घर्षण बल बोलते हैं। इसका मतलब कि विरामावस्था में जो घर्षण बल लग रहा है उसको स्थैतिक घर्षण बल बोला जाता है। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला विकल्प। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।